हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। आज लगातार दूसरे दिन निफ्टी इंडेक्स में तेज गिरावट देखने को मिली। अडानी ग्रुप के शेयर्स भी देखे तो मंडे से, जब से सुचेता दलाल जी का ट्वीट आया है, तब से काफ़ी प्रेशर देखने को मिल रहा है अडानी ग्रुप के शेयर्स में। आज निफ्टी 50 की बात करें तो सबसे ज़्यादा गिरने वाला शेयर भी अडानी पोर्ट्स का था। बाकी के शेयर्स देखे तो हालांकि 2% 1% गिरावट है उसमें, लेकिन सबसे ज़्यादा अडानी पोर्ट्स में थी। अगर अडानी पोर्ट्स का चार्ट देखे तो मंडे को जब ये न्यूज़ आई, उसके बाद यहाँ पर ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अगर देखे तो निफ्टी के बाकी शेयर्स में इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं देखने को मिल रही है जितना कि अडानी ग्रुप के शेयर्स में देखने को मिल रही है। अभी कल के लिए क्या निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। अगर आज का ये कैंडल देखे तो ये इन्वर्टेड हैमर जैसा कैंडल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो जब भी ऐसा ये कैंडल फॉर्म होता है, यहाँ से अपसाइड मूव हमें देखने को मिलता है, लेकिन उसके लिए यहाँ पर ऐसा कंफर्मेशन मिलना ज़रूरी है, एक ग्रीन कैंडल मिलना ज़रूरी है, तब कंफर्मेशन आएगा। कल यहाँ पर हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ किया था। अगर और भी करेक्शन आता है तो कहाँ पर निफ्टी इंडेक्स सपोर्ट ढूंढ सकता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 23.6% के लेवल के पास एग्जैक्ट इसने सपोर्ट एक बार फिर से ढूंढ लिया है। तो अगर ये आज का लो कल ब्रेक कर देगा तो नेक्स्ट सपोर्ट 38.2% के लेवल के पास होगा, जहाँ पर ये पिंक कलर का ये जो लाइन देख रहे हैं, ये 20 DMA का लाइन है, ये भी उसी लेवल के आसपास आ रहा है। तो यहाँ पर एक स्ट्रांग सपोर्ट हो सकता है अगर आज का लो ब्रेक करता है। तो कैंडलस्टिक की पैटर्न की बात करें तो ये एक रिवर्सल साइन होता है, लेकिन कंफर्मेशन के लिए वेट करना काफ़ी ज़रूरी है। RSI में कल हमने देखा था डबल टॉप फॉर्मेशन यहाँ पर बन रहा है। ये फर्स्ट टॉप है, ये सेकेंड टॉप, और फिर से इसने नेक लाइन को ब्रेक कर दिया और तेज जबरदस्त तेज गिरावट हमें निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिली। तो अभी यहाँ पर ये सपोर्ट के आसपास है। कैंडलस्टिक पैटर्न भी देखे तो इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है। कल फ्राइडे है, आज वीकली एक्सपायरी का दिन था, तो नया वीक कल शुरू होगा एक्सपायरी का, तो हो सकता है यहाँ से हमें एक छोटा सा बाउंस बैक देखने को मिले। तो इन लेवल्स के अकॉर्डिंग आप अपनी ओवरनाइट पोजीशन यहाँ पर बना सकते हैं। चलते हैं 60 मिनट की चार्ट में, इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। 60 मिनट की चार्ट में अगर RSI और प्राइस एक्शन को देखें तो जब जब ये 30 के लेवल के पास आता है, 30 to 0 ये ओवरसोल्ड जोन माना जाता है। तो जब जब ये 30 के लेवल के पास आता है, ऊपर प्राइस एक्शन में हमें एक अपसाइड मूव देखने को मिलता है। तो अभी ये 30 के लेवल के पास है और ऊपर प्राइस एक्शन 100 EMA का ये जो ग्रे लाइन आप देख रहे हैं, उसी के पास इसने सपोर्ट टेस्ट किया है 2 बार आज। तो हो सकता है यहाँ से हमें एक सडन बाउंस बैक देखने को मिले। अगर 100 EMA को ब्रेक कर देता है तो यहाँ से और भी ज़बरदस्त गिरावट हमें निफ्टी इंडेक्स में आते हुए दिखाई दे सकती है। तो कल के लिए हमारा ब्रेकडाउन लेवल क्या होगा, ये जहाँ से इसने पास्ट में 2 बार बाउंस बैक दिखाया, ये देखिए अभी ये तीसरी बार है। तो ये सपोर्ट लेवल है, इसको अगर ब्रेक करता है 15606 को, तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 15581, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 15557 59, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर ऊपर टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ आता है तो ये मूविंग एवरेजेस के बीच में ट्रैप हो चुका है इस समय। तो ये जो यहाँ पर एक छोटा सा स्विंग लो बना था पास्ट में, आप देख सकते हैं 15716, इसके ऊपर सस्टेन करे तो ये निफ्टी इंडेक्स में बाय पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 15735, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा ये मूविंग एवरेजेस के पास जो कि 15752 के आसपास है, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये निफ्टी के लेवल से कल के लिए, यानी फ्राइडे 18 जून। अभी बैंक निफ्टी में चलते हैं। बैंक निफ्टी का ये आर्ली चार्ट है। अभी अगर आप इस लेवल को देखें तो ये लेवल पे पास में देखिए कई बार इसने सपोर्ट लिया है और बाउंस बैक किया है, तो ये मेजर सपोर्ट है अभी ये लेवल। तो ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 3450
34405 ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 34304, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ चलता है तो आज के दिन का जो हाईएस्ट क्लोजिंग लेवल है आर्ली चार्ट में, इस लेवल के ऊपर ये क्लोज नहीं हुआ था आर्ली चार्ट में, तो ये हमारा होगा ब्रेक आउट लेवल 34798। इसके ऊपर सस्टेन करे तो फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 20 EMA का, ये जो पिंक लाइन है ये अराउंड अभी 34860 के पास है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा 34918, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये बैंक निफ्टी के और निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स है कल के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।